जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे दोस्तों और स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के तरफ से जो वैकेंसी अनाउंस की गई है दोस्तों, यहाँ पर RAS और RTS के लिए, उससे रिलेटेड सारा का सारा जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो के अंत तक बने रहना है मेरे प्यारे दोस्त। सिर्फ 2 से 3 मिनट का वीडियो होता है, मैक्सिमम 5 मिनट का दोस्तों। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लें, ताकि आप नहीं तो किसी और को भी जानकारी आप आसानी से दे सके दोस्तों उससे रिलेटेड। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको सारा का सारा जानकारी जो है स्टेप बाय स्टेप मिल जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए जो है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी RPSC की तरफ से जो वैकेंसी अनाउंस की गई है, इसका पोस्ट जो है लगभग दोस्तों आपका देख सकते हैं यहाँ पर 988 पोस्ट के लिए है। यहाँ पर आपका लेटेस्ट पोस्ट अपडेट जो है वो कर दिया गया है, यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों, इसका जो है 4 अगस्त को आ चुका है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी जानकारी है मैं दूँ आप तक पहुँच जाए। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे और भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है दोस्तों, और आपके लिए मैं खोजकर वैकेंसी जो है जानकारी उसका लेके आते रहता हूँ। तो दोस्तों, हम बिना समय के बाद वीडियो में आगे की ओर आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम फिलहाल एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो जितने भी जनरल कैंडिडेट है दोस्तों, अदर स्टेट वाले या फिर राजस्थान वाले, ये और सभी स्टेट के जो कैंडिडेट है दोस्तों, ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका फ़ी जो होगा वो जनरल या फिर अदर स्टेट वालों के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो ₹350 यहाँ पर फ़ी है जनरल स्टेट के। जनरल कैंडिडेट जो दोस्तों अदर स्टेट वाले जो हैं, वो राजस्थान के अगर नहीं हैं आप, तो आपको जनरल एज ए जनरल काउंट किया जाता है अदर स्टेट का की अगर आप हैं तो। यहाँ पर OBC और BC के लिए ₹250 है, SC ST और फिजिकल हैंडीकैप हैं अगर आप, तो आपको ₹150 चार्ज लगेगा। ये फॉर्म फ़ी को आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर ई चालान के माध्यम से पे कर सकते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, तो इसका जो आवेदन है वो 4 अगस्त से जो है दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। 2 सितंबर तक 12 बजे रात तक आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं दोस्तों। और इसका जो है पिछला डेट जो है दोस्तों, इसका ये जो है ये इसका पिछला डेट दिया हुआ, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। और ये जो है इसका डेट है, ये इसका जो आवेदन है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर हम इसके एज लिमिट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका जो मिनिमम एज लिमिट है आपका 21 साल है और मैक्सिमम 40 साल है। इसके अंदर छूट जो है आपको इसके रूल के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट से दोस्तों, यहाँ पर किसी भी ऑनर से अगर आपने सिर्फ डिग्री पास किया हुआ है, यानी कि यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है दोस्तों। स्टेट ऑफ सर्विस यहाँ पर उसका पोस्ट जो है अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ दोस्तों, आप प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए 76 पोस्ट है दोस्तों आप लोग का। पुलिस सर्विस के लिए यहाँ पर जो है दोस्तों 77 पोस्ट है। अकाउंटेंट सर्विस के लिए यहाँ पर 32 पोस्ट है। इंडस्ट्रियल सर्विस के लिए दोस्तों 4 पोस्ट है। टूरिज्म सर्विस के लिए दोस्तों 4 पोस्ट है यहाँ पर। और ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए 7 पोस्ट है आपका यहाँ पर। एग्रीकल्चर सर्विस के लिए दोस्तों यहाँ पर 37 पोस्ट है। कॉमर्शियल टैक्स सर्विस के लिए दोस्तों 38 पोस्ट है। जेल सर्विस के लिए 9 पोस्ट है दोस्तों। प्लानिंग सर्विस के लिए 7 पोस्ट है। और यहाँ पर आप लोग का चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए 8 पोस्ट है दोस्तों। फर्टिलाइज़र एंड सिविल के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको 6 पोस्ट देखने को मिल जाएगा। और रूरल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर दोस्तों 21 पोस्ट है। और लेबर वेलफेयर के लिए दोस्तों यहाँ पर 1 पोस्ट है। और आपका इसी तरह से और भी आगे सबऑर्डिनेट पोस्ट में भी यहाँ पर दोस्तों अलग अलग प्रकार का यहाँ पर जो है वो पोस्ट और उसका जो यहाँ पर सीट है अलग अलग डिफाइन किया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तहसील सर्विस है, सबऑर्डिनेट सर्विस है दोस्तों यहाँ पर, एक्साइज सबऑर्डिनेट है दोस्तों, प्लानिंग है, इंडस्ट्रियल है, सिविल स्पोर्ट है दोस्तों यहाँ पर, चाइल्ड डेवलपमेंट सबऑर्डिनेट में है, जेडिसरी के अंदर देखने को आपको मिल जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पर लेबर वेलफेयर में है आपको देखने को मिल जाएगा। एग्रीकल्चर के अंदर सबऑर्डिनेट में भी अलग अलग प्रकार के यहाँ पर सीट जो है वो इजीली डिफाइन किए हुए हैं। इससे रिलेटेड और भी जानकारी जो है आप लोग को यहाँ पर लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। आपका टेलीग्राम का लिंक भी होता है दोस्तों, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि किसी भी प्रकार का जो PDF वगैरह होता है और भी कोई मटेरियल होता है दोस्तों, वहाँ पर मैं डाल देता हूँ, वहाँ से आप लोग आसानी से इजीली से ज्वाइन हो जाइएगा, तो आपको आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। और इसका जो सिलेबस वगैरह है, किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस है, किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है दोस्तों, आपका सारा का सारा जो है यहाँ पर इंग्लिश हिंदी के अंदर नोटिस जो है आपको मिल जाएगा दोस्तों।
तो आप और भी आसानी से जो है इसके अंदर जाके पूरा डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग का सिर्फ मोटिव होता है दोस्तों कि जो भी जानकारी यहाँ पर आपका वैकेंसी निकलता है उससे रिलेटेड जो जानकारी होता है शॉर्ट नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचा देना, ताकि दोस्तों जो है आपको उससे आप अलर्ट हो जाएँ और उससे रिलेटेड जानकारी जो है आप सर्च करके और भी ज़्यादा जान सके, उसके अगर एलिजिबल हैं तो फॉर्म फिलअप कर सके। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज आए तब मैं वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँच जाए। इसके लिए सब्सक्राइब करके चैनल बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, और उसको ऑल पर सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।